कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, ऐसे में उससे बचाव के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने मास्क चेकिंग का अभियान चलाया और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक भी किया। आपको बता दें कि इसमें कुल 406 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आजमगढ़ जनपद में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हैं, इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस विभाग भी सतर्कता बरत रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, इस महामारी की रोकथाम के दृष्टिगत SSI ब्रह्मदीन पांडे, चौकी प्रभारी पहाड़पुर विनय कुमार शुक्ला, चौकी प्रभारी रोडवेज कमलकांत वर्मा, मैं पुलिस बल के रोडवेज तिराई के पास सिविल लाइन क्षेत्र पहाड़पुर तकिया मुकेरीगंज आदि क्षेत्रों में दुकानदारों, आने जाने वाले राहगीरों, ऑटो रिक्शा चालकों आदि की मास्क चेकिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि COVID-19 संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत जरूरी है, साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य है। आज पूरे सिटी में मार्केट में सभी दुकानदारों से तथा जो राहगीर हैं और सभी जनता से अपील की गई है कि सभी लोग मास्क लगा के रखें और अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना घूमें, और चालान भी किए गए हैं मास्क जो लोग नहीं लगाए थे उनके। और आज रात को 8 बजे से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक दुकानें बंद रह जाएंगी, इसी के संबंध में ये अभियान चलाया जा रहा है। मैडम, अगर कोई पालन नहीं करता है लॉकडाउन का तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनका चालान किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज जो चालान है, जो आपने मास्क चेकिंग किया था, उसमें कुछ चालान वगैरह भी हुआ है? हाँ, चालान किया गया है, जो लोग मास्क लगा के नहीं जा रहे थे उनका चालान किया गया है।